आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी अमेज़ॉन के प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें इमेजेस कैसे डालते हैं, मतलब जो बैनर्स वगैरह लगाते हैं लोग अपने ब्रांड में वो कैसे लगाते हैं। इसके लिए आपको ए प्लस लिस्टिंग करनी होती है, जिसको कहते हैं इनकी भाषा में ए प्लस कंटेंट लिस्टिंग। ठीक है, तो कैसे होती है आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपना अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट खोल लेंगे। यहाँ बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखेगा एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है ए प्लस कंटेंट मैनेजर पे। तो मैंने अपने ट्यूटोरियल अकाउंट खोल लिया है, मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ए प्लस कंटेंट मैनेजर है, यहाँ पे आप दबाएंगे स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस कंटेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट बेसिक पे। इसके बाद आपको अपने कंटेंट का नाम देना है, जो भी आप नाम देना चाहें। जैसे मैं दूंगा इट्स वियर, ये मैंने नाम दे दिया। इसके बाद आपको ऐड मॉड्यूल पे क्लिक करना है। नाम लिखने के बाद ऐड मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, आपको मॉड्यूल चुनना है। आपको स्टैंडर्ड कंपनी का लोगो सिर्फ चाहिए या फिर आपको स्टैंडर्ड ये वाला कंपैरिजन चार्ट चाहिए। अपना टेम्पलेट चुन लेंगे, एक तरीके से ऐसा चाहिए कैसा चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से आप चुन लेंगे जो भी होगा। जैसे मैं चुन लेता हूँ ये स्टैंडर्ड कंपनी लोगो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे इमेज ऐड करनी है। इसके लिए यहाँ दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दबाएंगे अपलोड इमेज। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको अगर डिस्क्रिप्शन में इमेजेस डालनी है तो आपके पास पहले से इमेज होगी भाई, तभी तो डालनी होगी। अगर आपके पास पहले से इमेज नहीं है तो आप किसी फोटो एडिटर कैनवा टाइप के फोटो एडिटर एडिटर की मदद से बना सकते हैं इमेज। ठीक है, यहाँ पे मैं ओपन कर दूंगा और यहाँ ये यह अपलोड होगी, थोड़ा वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इमेज अपलोड हो गई। एक रिक्वायर्ड फील्ड है, ये डालनी है इमेज के कीवर्ड्स। तो इस इमेज का अपने कीवर्ड डालेंगे, जैसे ये इसके है किड्स क्लोथिंग। ठीक है, और ये नेसेसरी नहीं है, टैग्स डालना चाहे तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद आप दबा देंगे ऐड, तो इमेज हो गई। ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे चाहें। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, ऐड दबा देंगे। तो ये तो हमने अपना मॉड्यूल ऐड कर लिया, आप चाहे तो और भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको दिखाने के लिए एक ही किया है सिर्फ। इसके बाद क्लिक करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट अप्लाई ए एस आई एंस। अब इसमें क्या है, आपको आपकी लिस्टिंग के जो ए एस आई एन नंबर होते हैं वो इसमें कॉपी पेस्ट करना है, कि किन किन ए एस आई एन नंबर में आपको ये मतलब डिस्क्रिप्शन में इमेजेस ऐड करनी है, तो वो आप करेंगे, मैं भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना ए एस आई एन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आप भी अपने हिसाब से जो भी आपका ए एस आई एन होगा वो आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको लगा दिया है। और यहाँ पे आप दबाएंगे अप्लाई कंटेंट। ठीक है, तो आपके इस तरीके से आप ASIN को यहाँ कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और अप्लाई कंटेंट पे लगाते जाएंगे। आप बता दिया जाएगा कितनी लिस्टिंग में आपका ये कंटेंट लग गया। ठीक है, आप चाहे चाहें तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप दबाएंगे नेक्स्ट पे रिव्यू एंड सबमिट। तो नेक्स्ट दबाएंगे, एक बार जो आपने किया है इसको रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद दबाएंगे सबमिट फॉर अप्रूवल। जैसे आप अप्रूवल के लिए सबमिट करेंगे, अमेज़ॉन आप थोड़ा समय लेगा और आपको डिसाइड करके बता देगा कि जो आपने इनका ए प्लस कंटेंट के लिए जो आपने कैटलॉग बनाया जो भी है वो ने अप्रूव किया है कि नहीं, ईमेल के जरिए आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, हम दबाएंगे सबमिट फॉर अप्रूवल और यहाँ एक और बार दबाएंगे, 24 घंटे तक ले सकते हैं उन्होंने बोला है। ठीक है, तो ये सबमिट कर दिया हमने और ये पूरी तरीके से हो गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।